ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता होता सोशल मीडिया वगैरह के बारे में, पर जब वो देखते हैं एकदम से उनके दिल में भी नेगेटिविटी आती है यार। वो सोचते कहीं हमारी फैमिली में ही ना ऐसा होने लग जाए, देख के लोगों पे क्या असर पड़ेगा, ये सब चीजों को देख कैसा लगता है ना। So, hey guys, welcome back to my YouTube channel. एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। और अभी है सुबह का टाइम और 11 बज रहे हैं, लंच की तैयारी कर रहे हैं मम्मी और निधि। और आज हमारे घर पे बन रही है कड़ी, और कड़ी के लिए पकौड़े तले जा रहे हैं, और यहाँ पे मिर्च का अचार है। ये आलू क्यों काटे भाई, कड़ी में डालने के लिए। चलो आज हमारी मनपसंद कड़ी बन रही है मम्मी जी द्वारा। गर्मी है तो हफ्ते जी और बना ही करनी है ना। रेडी? हाँ। गर्मी है गर्मी है बन जी जी फिर बना दी। आज मंडे है, मेरे बाल नहीं काट सकते। क्यों मंडे को नहीं काट? अच्छा ऐसा तो कुछ नहीं होता। क्या हुआ? काटने देती है। अरे कुछ नहीं होता यार, इसका जन्मवार है आज। अरे कुछ नहीं होता यार, बाल नहीं काट। अरे कुछ नहीं था, ये पिछले एक हफ्ते से रोला डाला उसने, मेरे को गंजा करवा दो गंजा करवा दो। तो हमने बोला कि गंजा मत हो, क्योंकि यार गंजा अच्छा नहीं लगेगा, इंस्टीट्यूट भी जाना होता है। तो मैंने इसको बोला कि बज कट करवा ले, एक नंबर की मशीन लग जाती है तो उससे गंजा भी नहीं होगा और बाल भी बचे रहेंगे। अरे हाँ, बज कट में वो करेगा ना, साइड में फेड करेगा और बीच में एक नंबर डालेगा वो। एक नंबर से तो कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। तो खुद ही बोल रहा है, तो छोटे ही बोल रहा हूँ, मशीन ही लगेगी। बिल्कुल छोटे कराने हैं ना। नहीं, मैंने प्लान बदल दिया, प्लान बदल दिया अब। ऊपर से छोटे कराएंगे बस, उस तरह फेर देते हैं सबसे बढ़िया। इसको ना वो ही कर दो, बस कट कर दो। नहीं नहीं नहीं, बस कट के लिए इसको बस कट नहीं यार, एक चल ना। आती देवी है पता है कितने दिन से बोरा जीजू को बोल, मेरी बस काट लगी थी जोंग। अब नहीं, अब मेरे को थोड़ा लग रहा है बाल, मेरी बात सुन तो इंस्टीट्यूट जाता है। और अच्छे बच्चे के बाल छोटे छोटे होते हैं। तो गाइस दादू के बाल आप लोग देख सकते हो, अच्छा लग रहा है यार। एंड द रिएक्शन, कहाँ गए मम्मी? मम्मी अंदर चले गए। इतना अच्छा तो लग रहा है यार। ये खुद ही बोल रहा था मशीन नहीं लगवानी, फिर उससे कटवाए हैं। क्या अच्छा तो लग रहा है, क्या लग रहा है? नहीं लग रहा है यार अंडा, तुम क्यों उसका मनोबल तोड़ रही हो? अच्छा लग रहा है यार, रंग और गोरा लग रहा है सबको। गाइस ध्यान से देखें इस चेहरे को, बिल्कुल ध्यान से। ये एक वही बहन है जो अपने भाई पे जुल्म करती है। ध्यान से देखें गाइस, ध्यान से। चुप रहो, चुप क्यों रहो? लोगों ने मेरे को वो है बनाया हुआ विलेन इस घर की। क्यों भाई? विलेन विलेन विलेन। गाइस ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ये सच में जुल्म करती है अपने छोटे से नन्हे से भाई पे। वो जुलम ये है, आज की ताज़ा खबर में हम लोग आप लोगों को ये बताएंगे कि निधि ने आदू के फ़ोन पे लॉक लगा रखे हैं ताकि वो सोशल मीडिया कुछ ना देख सके, यूट्यूब ना देख सके, कुछ भी ना देख सके, जस्ट अनअकैडमी के ऐप के अलावा कुछ भी नहीं फोन में है, कुछ भी ना देख सके। ओ भाई गुड्डी के साथ वॉलपेपर, मेरा हटा दिया, लड़ाई होगी क्या मेरे साथ? और निधि का फोन लेता है आदू खाना खाते वक्त डोरेमोन देखने के लिए। इसने सारे ऐप्स पे लॉक लगा रखा है निधि ने, ताकि ये पढ़ाई के वक्त कुछ यूज ना करे। अगर तूने यूट्यूब पे कुछ देखना होता फिर आ जाता मेरे पास। अच्छा इसको लॉक नहीं बताया? फिर मेरे पास आ जाता, फिर मैं इसको लॉक खोल के दे देती हूँ। जब इंस्टीट्यूट से आता है फिर भी मैं इसको लॉक खोल के दे देती हूँ आधे घंटे तक। फिर उसके बाद जब खाना वगैरह खाता फिर मैं अपना ही फोन दे देती हूँ, चल मेरे फोन में देख ले। शिनचैन ही तो देखना होता है इसने, इतना जुल्म। क्योंकि यार इसकी ना अनअकैडमी के ऐप पे ना वहाँ पे क्लासेस वगैरह इंस्टॉल मतलब होती है, तो ये वो भी देख सकता है। उसके अलावा अगर इसके डाउट्स वगैरह होते हैं फिर ये यूट्यूब से भी देखता है, फिर ये मेरे को बोल देता है कि खोल दे, फिर मैं खोल देती हूँ। वैसे भी यार माइंड ना ऐसा होता है बंदे का, ट्रैक हो जाता है। हाँ ठीक है ठीक है। बाकी जिसके पास कुछ भी नहीं है इंस्टाग्राम, पढ़ाई वाले बच्चों को तो वैसे सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए। मैं खुद ही बोला था वो लॉक लगा। हाँ इसने मेरे को खुद ही बोला था बाय द वे, अच्छी बात है। इसने मेरे को बोला था कि लॉक लगा दे, मेरे प्ले स्टोर में भी लगा दे, ताकि मैं कोई ऐप या कोई गेम इंस्टॉल। सीधी सी बात बताऊं, जो हमें बच्चे देख रहे हैं ना, जो पढ़ रहे हैं इस टाइम, मैं तो उनको ये बोलूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट है डीएक्टिवेट कर दो, अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं या कोई आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो कुछ भी, तो डीएक्टिवेट कर दो। कोई जरूरत नहीं है किसी का भी ब्लॉग देखने की,
किसी के भी इंस्टाग्राम ये देखता है वाले। अरे मैं कोई चक्कर नहीं यार, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब चीजें तो आप लोग बाद में भी कर लोगे। और क्या, अब भी टाइम है कुछ बनने का, कुछ करके दिखाने का। कर हर मैदान फतेह। सही बात है, नहीं कभी कभी देख लेता है, शाम को हम देखते हैं ना क्योंकि फ्री टाइम होता है। उसकी बात कर रहे हैं, कोई भी पढ़ने वाले, पढ़ने वाले नहीं यार, पढ़ने वाले बच्चों को, चाहे कोई भी है, चाहे तू है, चाहे कोई हमारा व्यूअर है, पढ़ने वाले बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहे, सीधी सी बात। साढ़े टाइम का सोशल मीडिया होता नहीं सी, फिर अभी तो भी नहीं पढ़ते, नाटक होते थे टीवी। मैं तो पुराने पुराने क्रिकेट के मैच देखता रहता था भाई, 1990-2000 सन के, इतने पुराने मैच देखता था मैं टीवी में। मैं तो नहीं मैच देखता, हाईलाइट ही देखता रहता था मैं, है ना मम्मी। मैं तो सोन परी, गाइस सोन परी कौन कौन देखता था कमेंट सेक्शन में, और शरारत नहीं, बालवी तो तेरे टाइम का था, हम तो सोन परी देखते थे और वो देखते थे हम शक्तिमान शकला का, मैं मैच देखता रहता ना पुराना हाईलाइट। केडी पाठक बड़ा देते, अदालत बड़ा देते, अदालत तो मैंने मेरे को नहीं, मैं बड़ा देखा है ना अदालत, ये तो अदालत तो होनी चाहिए, कुछ ज्यादा पुराना नहीं है। मम्मी अदालत देखती है, मैं सी आई डी मैं वो देखता है, सावधान इंडिया, फिर आके वही क्योंकि मैंने पीसीएस क्लियर करनी थी ना, इसलिए मैं अदालत देखता था। अदालत तो अभी का शो था, कुछ ज्यादा पुराना थोड़ी था। मेरे को लगता था शरारत बहुत अच्छा, शरारत मेरे को अच्छा लगता था, शक्तिमान शक्तिमान बेकार लगता था। तो गाइस जो हम लोगों ने पाइप वगैरह चेंज करवाए थे ना, तो वो सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस अभी फर्श लगवाना बाकी है, तो वो कल लगवा लेंगे हम लोग। हम लोग ना इसलिए वेट करने लग गए थे कि एक बारिश हो और पता लग जाए, बिकॉज ना थोड़ा सा पानी निकलने लग गया था छत से पाइप लीक होने की वजह से, तो अभी बारिशें हो गई हैं 2-3 और अब भी सब कुछ ठीक है, तो अभी फर्श लगवा देंगे। चलो भाई मम्मी के साथ शाम की चाय, निधि पिंदी नहीं पता नहीं क्यों चाय, यार चाय पी लिया कर यार। नहीं मैं गाइस एक्चुअली ना साथ ही साथ व्लॉग एडिट कर लेता हूँ, सही रहता है फिर साथ ही साथ। अभी ना निधि ने एक ये पार्सल ओपन करा था, शॉर्ट वीडियो आप इसके चैनल पे देख सकते हो, शॉर्ट आउट दे दिया आपको। क्या बात है, आपने भी कभी दिया तो दिखा देता हूँ मैं भी अपने व्लॉग में जो लड़कियाँ देख रही है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। सेल सेल सेल, काले सूट की सेल गाइस, ले लीजिए। कितने का है ये, 1000 रुपए का? एक्सपेंसिव लगा, 1300 का। ओह माय गॉड, इतना कुछ वाओ नहीं है यार, क्योंकि इसका दुपट्टा भी आप लोग देख सकते हो बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं है। सही बात है, 1300 के हिसाब से, 1300 के हिसाब से महंगा है, मीशो के हिसाब से ये होना चाहिए था 700 का, क्योंकि निधि जी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आपको रिव्यूज देते रहते हैं, तो उस हिसाब से ये 1300 के लाइक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बाय करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खरीद के मंगवा के देख सकते हैं। सही है, नहीं यार तो काफी लोग ना कमेंट में बोलते हैं कि दी आप, हमने आपके इससे देख के मंगवाया और अच्छा नहीं निकला, मतलब मैं अपना रिव्यू कर रही हूँ पर्सनली कि मेरे को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा है, फैब्रिक एंड ऑल सब कुछ ठीक है, बट 1300 के हिसाब से ये थोड़ा सा मीशो पे और बेटर मिल सकता है, और बेटर मिल सकता है इतने में आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, और ये डेली वेयर के लिए नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऐसा है पार्टी वूटी में, अच्छा 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 बर्थडे वर्थडे में जाने के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके समझ गए, ओके 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 ओके। हाँ जी, कुछ क्या, कुछ अब इसको कुछ खाने को दिल कर रहा होगा ना, सच बोल रहा ना मैंने, सो लॉन्ग का हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी हफ्ता ही हुआ है, कब पता नहीं, तो खाया हमने 10-12 दिन तो हो गए, नहीं कब खाया था, बाहर का, बाहर का खाया हमें, खाते ही नहीं बाहर का, घर पे बनाते डुगू, बाहर से खाया था हमने, मेरे को याद नहीं है, लोगों को पता होगा, देखना बता देंगे कमेंट करके, हमें नहीं याद, पर नहीं खाया डुगू बहुत टाइम हो गया, अच्छा मेरे को खुद नहीं याद यार, पर मैंने तो खाया बाहर का। मैंने परसों ही खाया है, वो भी दोस्तों के साथ गया था, तो यार जबरदस्ती खा लिया मैंने, उन्होंने तो जबरदस्ती डाला कि मुंह में की, खा लो खा लो, अब तो फिर यार कंपनी देनी पड़ती है यार, ऐसे नहीं होता। मैंने उनको बोला था कि मैं आजकल डाइट पे हूँ, बाहर का बंद करा हुआ, लेकिन फिर बोलने लग गया यार दोस्त नहीं है तू, तो तेरे को पता फिर ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। तो हे गाइस, 2 दिन के बाद हम दोबारा शूट कर रहे हैं, बिकॉज 2 दिन से हम थोड़ा सा काम को लेके बिजी चल रहे थे, तो व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, और अभी हम लोग छत पे आए थे, मौसम आप लोग पीछे देख ही सकते हो कि बारिश वाला हुआ हुआ है, रात को बारिश हुई थी, और अभी निधि कुछ कस्टमाइजेशन करने के लिए ऊपर आई है, कि जो हमारे ये टायर है ना, इसको हमने बैठने के लिए वो बनाने, क्या कहते हैं, टेबल है, हाँ टेबल नहीं स्टूल टाइप कुछ अच्छा सा DIY करना है टायर का, ये तो टायर सारा गया, पर नहीं पानी देखना कैसे भर रखा है, बारिश इतनी तेज आई ना रात को।
छत पे शोर ही इतना आ रहा था, मैंने कहा यार व्लॉग की क्वालिटी बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। सो मैं लेने आया था माइक, तो माइक हम लोगों ने उठा लिया है, माइक लगा के व्लॉग बनाएंगे भाई, ताकि बढ़िया क्वालिटी मिले आप लोगों को। क्योंकि यार देखो अगर वॉइस अच्छी नहीं है ना तो व्लॉग देखने का मन भी नहीं करता, क्योंकि लास्ट व्लॉग में कई लोगों के कमेंट थे कि वॉइस अच्छी सही नहीं आ रही। कई बार हो जाता है यार, पंखा वंखा ज़्यादा चल रहा होता है, यहाँ बाहर होते हैं हम लोग, कई बार मोबाइल का इनबिल्ट माइक नहीं काम करता इतना ज़्यादा। अब ठीक है यार, माइक लगा के ना बढ़िया आवाज़ आएगी, माइक से अच्छे से वॉइस क्लियरिटी बढ़िया आती है ना, बैकग्राउंड की वॉइस जो है वो भी नॉइस मतलब हो जाती है डिडक्ट। आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, हाँ जी इधर आओ, ये तुलसी है ठीक है, और अपने आप मतलब यहाँ पे भी तुलसी लग गई, पत्ता पुत्ता गिर गया होगा इसमें। हाँ, और ये तो मैंने खुद लगाई थी, चलो इसमें, और ये मिट्टी देख सकते हो आप, ये वाली मिट्टी बहुत अच्छी होती है, तो इसमें तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है, ये देखो ये लाल मिट्टी तो नहीं है। हाँ ये बहुत अच्छी मिट्टी है ये वाली, और एक ये भी मैंने खुद लगाई थी, ये वाली तुलसी, ये भी बड़ी अच्छी लग गई सुंदर। और इसके साथ साथ ये क्या है, खाली पड़ा है ये, तो खाली है, इसमें मैंने ना गेंदे के फूल लगाए थे। अच्छा। तो वो बढ़िया हुए ही नहीं, मतलब ज्यादा बारिश हो गई थी, पता नहीं सड़ गई, पता नहीं क्या हो गया। और इसके साथ जब ये बी है तुलसी के, ये देखो ये तुलसी के बी है, और ऐसे झड़ जाते नीचे। अच्छा। और वो देखो ये देखो पूरी इसमें नींबू के गमले में पूरी तुलसी तुलसी हो रही, और इधर भी अंदर तुलसी लग गई ये देखो। और ये ना गाइस बाल्टी फट गई थी, मैं आपको बताती हूँ, ये बाल्टी फट गई थी, तो इसमें हमने लगाया नींबू का पेड़, और इसको मैंने पेंट कर दिया था कि अपना इसका गमला ही बना देते हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हो, एक ये और एक ये, इसमें लगाया था पुदीना, इसमें मैंने कुछ लगाया था यार, धनिया लगाना था, इसमें आया ही नहीं। ये देखो ये तो ना तीन तुलसी कैसे आ गई दोबारा, अपने आप ही तुलसी आ गई, वही तुम कह रहे हो, बढ़िया है। इसको मैं साफ कर रही हूँ, तभी तो ऊपर आई, मैं इसको साफ करूंगी अच्छे से, इतनी घास होगी बड़ी है क्योंकि बारिशें हो रही है, बारिशों में फिर अच्छी धूप निकलती है, फिर इसमें घास जम जाती है, और उसमें भी हमारे ऐसे ही हो रहा है फूलों में। देखो खाद भी नहीं डाली ना काफी टाइम से, उसमें खाद की भी जरूरत है अभी। अरे हाँ गाइज, हम लोगों ने ना रात को कल की मूवी देखी, मैंने और निधि ने, बहुत लोगों के मैंने स्टेटस भी देखे थे जब रिलीज हुई थी मूवी, तो वो लोगों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज उस फिल्म में बताई गई है कि जो कल की है ना वो अभी से लोगों के मन में बननी शुरू हो गई है। बिकॉज आजकल देखो आप, नेगेटिव चीज़ें जो है लोगों को कितनी पसंद आने लग गया है, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, चाहे हम रियल लाइफ की बात करें, तो लोगों को मज़ा आता है नेगेटिव चीज़ें देखने में। सो जो मतलब एक कली बननी होती है ना, वो कली अब बन रही है नेगेटिव, तो घोर कलयुग दूर नहीं है। मैं तो यही कहूँगा यार, अच्छा अच्छा सुनो, अच्छा अच्छा देखो, ठीक है, अपनी प्रकृति को बचाओ। आजकल लोग बहुत पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, चलो पैसा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए, लेकिन उसको फर्स्ट प्रायोरिटी ना दो। लोगों की सोच पता क्या बनी है, जैसे सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ पे हम चीज़ें सीख सकते हैं, सही चीज़ें भी है, गलत चीज़ें भी बहुत है, पर लोगों की सोच पता क्या हो रही है आजकल, लोगों को देखना है कॉन्ट्रोवर्सी, लोगों को देखनी है लड़ाइयाँ, मतलब अच्छा है, अच्छी चीज़ें लोग पता नहीं क्यों देखना ही चाहते आज के टाइम में, ये चीज मैं बहुत नोट कर रही हूँ, आप देखना मसाला पसंद मसाला लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। पता क्या है, आज से कुछ साल पहले सीरियल चलते थे टीवी के टाइम पे, ठीक है, तो सीरियल में मिलता था मसाला सास बहू हाँ। का या और लगा लो ना, तो अभी टीवी सीरियल का टाइम हो गया खत्म हाँ। अब चल रहे हैं व्लॉग्स, तो व्लॉग्स में भी मतलब कि मसाला चाहिए होता है, तो लोग कॉन्ट्रोवर्सीज की तरफ ज्यादा जाते हैं और वही चीजें सीख रहे हैं, गलत चीजें लोग सीखते हैं वहीं से, तो नेगेटिविटी बहुत आती है कहीं ना कहीं। मेरे हिसाब से हमें पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और क्या, हालांकि हम पर भी ये सिर्फ चीजों का असर होता है, नेगेटिविटी का मेरे पे बहुत ज्यादा असर हो जाता है कई बार, तो मैं कई बार तो पागल ही हो जाता हूँ सच बताऊँ तो, वो व्लॉग्स में जाहिर नहीं होता लेकिन मैं भी कई बार हिल जाता हूँ, इतनी नेगेटिविटी मिलती है जब सोशल मीडिया से। मैं सोशल मीडिया को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा हद हो जाती है, ये एक क्रिएटर को पता होता है जब हर साइड से नेगेटिविटी आ रही हो। सो मेरे हिसाब से यार हमें हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ताकि आप पॉजिटिव वे में लो चीज़ें, ताकि दूसरे वालों को भी कभी कोई चीज़ बुरी ना लगे और वो भी पॉजिटिव वे में लेके चीज़ों को आगे बढ़े। यार लोग ना जान जान के एक दूसरे को गिराते हैं आजकल, जान बूझ के गिराने की कोशिश करते हैं, और इतने मतलब नेगेटिविटी है ना हो रही कि खुद भी हम हो जाते हैं यार, जबकि हमारे को काफी लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता होता,
सोशल मीडिया वगैरह के बारे में, पर जब वो देखते एकदम से उनके दिल में भी नेगेटिविटी आती है यार। वो सोचते कहीं हमारी फैमिली में ही ना ऐसा होने लग जाए, देख के लोगों पे क्या असर पड़ेगा, ये सब चीजों को देख कैसा लगता है ना। हमारे को तो पता है, हमारे को भी हो जाता है, जिनको पता ही नहीं उनको कितना होता होगा। ये देखो वो लोग कितना गलत सोचते होंगे सोशल मीडिया, जबकि सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये सारे पौधों में करनी है? हाँ, पहले मैंने वो घास जैसी निकाल ली ना एक्स्ट्रा लगी हुई, अब इसको थोड़ा मिट्टी को खोदना है अच्छे से, अच्छी हो जाए ताकि। पानी कम दिया कर दे, पानी कितना खड़ा है? पानी बारिश वाला पानी है? नहीं वो तो ठीक है, बारिश वाला पानी है ये। डूबू ज्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए, ये नीचे से पानी होना नहीं, इसमें कनेक्शन नीचे ही नहीं आ रहा। वो किए नहीं, होल किया नहीं हुआ? होल तो किए हुए हैं यार, कई बार पता क्या अटक जाती है मिट्टी, फिर वो होल हो जाती खराब। पुदीना तो इतना अच्छा हो रहा है ना यार, पत्ते बड़े ही नहीं हो रहे। कम हो गया पुदीना पहले से यार, पहले तो बहुत अच्छा ये हमने था। बनाया है ना अभी कुछ दिन पहले, हाँ चटनी बनाई थी ना, इसलिए खुशबू देखो तो बहुत तेज है, बहुत मस्त लगता है यार, मुझे बहुत शौक है। ये रात को बारिश हुई थी ना गाइस, तो पानी काफी खड़ा हुआ है इस गमले में, और फूल देखो कितना प्यारा है यार, ये तो झड़ गए नीचे छोटे छोटे फूल, फिर भी कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल भी तोड़ने का दिल नहीं कर रहा। ये देखो घास कितनी मोटी लगी है, आपको पता है घास का सीजन चला हुआ है। घास तोड़ के ना हम शिमला ले जाते हैं, फिर उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी ना घास तोड़ने में। तोड़ते नहीं है घास, काटते सॉरी। तो गाइस अभी निधि ने ना फालतू की ग्रास थी ना वो सारी काट दी है, और अभी देखो सही लग रहा है बिल्कुल। साइड साइड से निकालनी जरूरी थी। अच्छा। और मेरा ना यहाँ पे ना वो लग गया यार, कांटा चुभ गया नींबू का।